हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो तो है MySQL की, लेकिन आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ। संडे शाम 7 बजे से टैली की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है। बहुत बेसिक से सिखाऊंगा पूरी टैली, तो डेली संडे से स्टार्ट होगा, फिर मंडे चलेगा, ट्यूजडे चलेगा, ऐसे करके रेगुलर क्लास चलेगी। ठीक है, कोशिश तो ये रेगुलर चले, तो संडे के बाद मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे ऐसे लाइन से क्लास चलेगा डेली, और मुश्किल से 15 से 20 दिन में पूरी टैली खत्म हो जाएगी आपकी। जी हाँ, और अगर आपको क्लास आपने कर लिया तो आपको जॉब 100% मिलेगी, इसकी गारंटी है। ठीक है ना, तो आप उस क्लास को ज्वाइन करेंगे अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ तो 7 बजे से, और फ्री है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। खाली सब्सक्राइब करना है चैनल को, कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल का नाम है, खाली उसको सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ ही काम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप सीधा जुड़ जाएंगे, लिंक मैं डाल दूंगा, अभी मैं क्लास शेड्यूल कर दूंगा, तो आपको पता भी चल जाएगा कि संडे को 7 बजे से लाइव क्लास है, तो उसी पर क्लिक करके आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी सवाल है सारे कुछ पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है ना, तो इंटरव्यूज में आने वाली चीज़ें भी बताऊंगा, लेकिन शुरुआत बेसिक से करूंगा। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इसे। ठीक है, चलिए अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है वीडियो है MySQL की। ठीक है, एक कमांड है जिसे कहते हैं मॉडिफाई, तो मॉडिफाई के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डाटाबेस ऑलरेडी चेंज कर दिया है मैंने, और यहाँ पर अब हमें शो टेबल्स करना है, क्योंकि टेबल्स कौन कौन सी बनी हुई है ये देखने का कमांड तो शो टेबल्स ही होता है। यानी पर्टिकुलर डेटाबेस में स्टूडेंट एस नाम से एक टेबल बना हुआ है, यानी स्टूडेंट्स के नाम से एक टेबल बना हुआ है। चलिए इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट कमांड का यूज करके, और देखते हैं कि ये टेबल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो स्टूडेंट एस करना है हमको, स्टूडेंट एस, और यहाँ से टर्मिनेशन देना है। देखिए ये सारी चीजें इस स्टूडेंट के अंदर मौजूद हैं, स्टूडेंट एस जो टेबल है इसमें मौजूद है। ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन। अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, डिस्क्राइब करके देख लेते हैं इसका डेटा टाइप क्या क्या है, क्या क्या डेटा टाइप इसमें दिया गया है, वो सारी चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। स्टूडेंट एस किया, ये देखिए डेटा टाइप भी बता रहा है, रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया गया, बाकी सारे डेटा टाइप के बारे में तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर चाहते हैं ना जो ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स है इसका डेटा टाइप हम चेंज कर दें, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई को यूज कर सकते हैं। ये हो गया मॉडिफाई, इस तरीके से मॉडिफाई, लेकिन ऐसे मॉडिफाई नहीं लिखना, सबसे पहले तो आपको टेबल को अल्टर कराना होगा, तो यहाँ लिखिएगा अल्टर और फिर लिखिएगा टेबल, यानी टेबल का नाम फिर देना है, अल्टर टेबल लिख करके टेबल का नाम। तो स्टूडेंट एस है, ये लिख दिया स्टूडेंट एस, तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब यहां पर मॉडिफाई लिखना है, क्या लिखना है, मॉडिफाई, यही हमारा कमांड है मॉडिफाई। ठीक है, अब फिर यहां पे कॉलम का नेम देना है, तो कॉलम का नेम क्या है, ठीक है, कॉलम का नेम है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये लिखा नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा नेम ऑफ स्टूडेंट्स इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखने के बाद क्या करना है आपको, यहां पर यह बताना है कि इसका डेटा टाइप क्या रखना है। ठीक है, तो जो भी डेटा टाइप रखना हो, जैसे मान लीजिए इसमें वर्कर ऑलरेडी दिया गया, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट करके यहाँ से टर्मिनेशन दे करके, और फिर क्या करना है, एंटर कर देना है आपको सिंपली इस तरीके से। तो देखिए ये क्वेरी ओके हो गया, देख सकते हैं ना, ये क्वेरी ओके हो गया है, 3 रोज अफेक्टेड दिखा रहा है। चलिए अब जानते हैं 3 रोज अफेक्टेड का मतलब, ये तीनों जो नाम है ना इनका डेटा टाइप बदल गया। अभी हम डिस्क्राइब को यूज करेंगे और देखेंगे कि बदला है कि नहीं बदला है, चेक करना पड़ेगा कि नहीं, चलिए देखते हैं बदला है कि नहीं बदला है। तो यहां लिखा डिस्क्राइब और टेबल का नाम है स्टूडेंट एस, तो ये दे दिया, और यहां से टर्मिनेशन देकर के एंटर कर दीजिए। तो ये लीजिए, यहां पर स्टूडेंट का डेटा टाइप क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया, अभी तक क्या था, वेरकैर था, लेकिन हमने इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो बड़ा आसान है, और अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है आराम से जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एकदम क्लियर है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।